हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कोशिका के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि 11th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले भी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वमान्य तरल मोजैक मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्लियाँ अर्धतरल होती हैं जहाँ लिपिड तथा समाकल प्रोटीन यादृच्छिक ढंग से विस्तृत हो सकते हैं। गत वर्षों में यह मॉडल अनेक मायनों में बदला गया है। इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला, कोशिका झिल्ली में प्रोटीन लिपिड की दुई परत में गति कर सकते हैं, ये तो सही है, हमें गलत चूज करना है। दूसरा, प्रोटीन भी लिपिड की दुई परत में फ्लिप फ्लॉप गति कर सकते हैं। हमने पढ़ा है कि प्रोटीन कभी भी फ्लिप फ्लॉप गति नहीं करते हैं, प्रोटीन लैटरल गति करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव द्रव्य कला मुख्यतः बनी होती है। जीव द्रव्य कला किसकी बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फास्फोलिपिड की बनी होती है और प्रोटीन की बनी होती है। और फास्फोलिपिड क्या होता है? दुई परत में होता है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तीसरा, फास्फोलिपिड की दुई परत में धसे हुए प्रोटीनों से। नेक्स्ट, शैवालों में कोशिका भित्ति निम्न की बनी होती है। शैवालों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोस, ग्लैक्टन तथा मैनन की। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, मध्य पटलिका मुख्यतः बने होती है। मध्य पटलिका किसकी बनी होती है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पैक्टेट की। लेकिन उसमें भी अगर मुख्यतः पूछा जाएगा तो किसकी बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट की। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। दो समीपवर्ती कोशिकाओं के मध्य निम्न में से कौन सी संरचना एक प्रभावी स्थानांतरण पथ है? तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा हमारा प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है? दो समीपवर्ती कोशिकाओं के बीच एक कनेक्शन है, संयोजक कड़ी मान सकते हैं उसको, कि वो जो भी स्थानांतरण, जो कुछ भी मतलब कनेक्शन है, वो प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं दो पास पास की कोशिकाओं के। नेक्स्ट, कोशिकाओं की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का मुख्य स्थल है। कोशिकाओं की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का मुख्य स्थल कोशिका द्रव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडेस्मेटा है। प्लाज्मोडेस्मेटा अभी देखा था हमने कि समीपवर्ती कोशिकाओं के बीच में क्या है? स्थानांतरण या संयोजक कड़ी। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट? फर्स्ट, जिसमें लिखा है समीपवर्ती कोशिकाओं के मध्य संयोजक। नेक्स्ट, निम्न में से किसको अंतः झिल्ली का तंत्र का भाग नहीं माना जाता है? अंतः झिल्ली का तंत्र कौन कौन से कोशिकांग मिलकर बनाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रिक्तिका, लाइसोसोम, गोल्जी संकुल। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ, पेरोक्सिसोम अंतः झिल्ली का तंत्र का भाग नहीं होते हैं। कोशिकाओं में रुक्ष अंतः प्रद्रव्य जालिका किसकी उपस्थिति के कारण होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड, ईआर की सतह पर राइबोसोम। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण इसको रुक्ष अंतः प्रद्रव्य जालिका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।